हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गौस की प्रमेय के आंकिक प्रश्नों को हल करवाऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E = 2I + 3J - 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A = -4K मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिए, फार्मूला क्या होता है, φ = E·A। तो इनको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, इनका 2I, तो K से K वाले की गुणा होती है और सबके साथ तो मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगी I और J के साथ, तो 4×4=16, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखिए, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। φ = 1/6 Q/ε0 = 1/6 10 × 10⁻²⁸ - 12, तो ये आ जाएगा 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, 2 माइक्रो कूलम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की गणना कीजिए तथा एक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है तो वो Q/ε0 होता है, लेकिन जब कहा जाए एक फलक से गुजरने वाला तो 6 फलक होते हैं, तो 1/6 कर देते हैं, 1/6 Q/ε0। तो φ = Q/ε0, Q की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻⁶ / 8.85 × 10⁻¹². तो आंसर इसका आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, या वोल्ट मीटर भी इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/6 Q/ε0, तो ठीक है, 6 से डिवाइड इसे कर दो, 3.77 × 10⁴ वोल्ट मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से −750 Nm² प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। देखिए, त्रिज्या वैद्युत फ्लक्स पर प्रभाव नहीं पड़ता था, ये उतना ही रहेगा वैद्युत फ्लक्स −750, ठीक है। अब φ = Q/ε0 होता है, तो φe × ε0, φe की वैल्यू रखें और ε0 की दोनों की रखेंगे तो आएगा −6.64 × 10⁻¹ कूलम, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10×10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, E = 2λ/4πε0R, तो ये वैल्यू पुट करो 2 × 10 × 10⁻¹ × 9 × 10⁻²⁹ 2, तो इनके कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 × 10⁻¹⁰ - 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E = σ/ε0, ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में ये आता है सूत्र, E = σ/ε0, 1.77 × 10⁻¹⁰ - 8.85 × 10⁻¹⁰, तो आंसर कितना आएगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आंसर।
अब देखिए अगला। सातवां, देखिए 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा उनकी भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। क्यू बराबर ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होता है, तो इससे क्यू बराबर ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, तो सब वैल्यूज पुट करेंगे जिसका आंसर है 4.9 × 10^-10 कूलम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए संतुलन की स्थिति में क्यू ई, एफ बराबर क्यू होता है, एफ बराबर एम जी, तो क्यू बराबर एम जी, ई बराबर एम जी बटे क्यू, एम 2×10^-9। देखिए एम जी है, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे फिर ग्राम को किलोग्राम में, तो 2×10^-9 × 9.8 × 9.6 × 10^-19, तो आएगा 2.04×10^10 न्यूटन प्रति कूलम। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दीजिए, 9th सवाल है ये। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वृद्धि से ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10^-27 kg तथा आवेश 3.2 × 10^-19 कूलाम है, ठीक है। आवेश कितने में होता है, कूलाम में, ठीक है। अब ई बराबर एम जी बटे क्यू, वही फार्मूला लगाएंगे, तो ई बराबर आएगा 2×10^-7 न्यूटन प्रति कूलाम, वर्टिकल या बार्ड दिशा, ठीक है। देखिए 10th 10वां, 4×10^5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1×10^-4 kg की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ई बराबर एम जी बटे क्यू, क्यू बराबर एम जी बटे ई, तो यह 1×10^-4 × 9.8 × 4×10^5 आंसर आएगा 2.45 × 10^-9 कूलाम। 11वां देखिए, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10^-4 सेंटीमीटर की त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल के बूंद के आवेश की गणना कीजिए। क्यू बराबर एम जी बटे ई, ठीक है। एम जी क्या, देखो यहाँ भी ये थोड़ा वैसा सवाल है समझने वाला। एम की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एम जी की जगह पर रख सकते हैं बी रो जी, बी फॉर वैल्यूम आयतन, रो घनत्व, जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। बी आयतन 4/3 π r³ × रो कितना है, घनत्व 10^3 × g 9.8/3 × 500 ई की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए 4 × 3.14 × 10^-6 का होल क्यूब इंटू 10^3 × 9.8/1500, ठीक है। देखिए अब ये यहाँ पे 3 ये आ गए, ये 3 नहीं होगा, ये 4/3 का 3 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4 जब आएगा तो नीचे ही आ जाएगा 4, पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितना है, 8.2 × 10^-17 कूलाम, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक आवेशित कण की बूंद 3×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। इसका द्रव्यमान 9.75 × 10^-16 kg हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी पूछ रहा है, तो क्यू बराबर एम जी बटे ई, 9.75 × 10^-16 × 9.8/3 × 10^4 कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3.185 × 10^-19 कूलाम। अब क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्यू ई, क्यू अपान ई, तो क्यू के बाद 3.185 × 1.6 × 10^-19, तो 16×32 होते हैं, 16×32, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे एक जब भूल गए 10^-19 भी लिखे जाएंगे, ठीक है, 10^-19 भूल गए लिखना, तो ये जब कट जाएगा
दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब देखिए 13वां। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन है, 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित लटकी है। तेल का घनत्व तो इतना है 1.26 × 10³ kg/m³ है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, mg बराबर qE से। ठीक है, आयतन इंटू घनत्व वो हमने बताया था, बी रो जी, ठीक है, बराबर qE, तो 4/3 πr³ × ρ × g = qE, तो r बराबर क्या हो गया, 3 qE/4 πρ g का ⁴/3। ठीक है, मतलब घनमूल का क्यों बराबर, यानी तो आ जाएगा 12 × 1.6 × 10⁻¹⁹ 19.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब ऐसे ये वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 19.2 × 10⁻¹⁹ 2.5 × 10¹³ 4 × 3.4 × 1.26 × 10³¹³ 4.8। ठीक है, 9.8 होगा, 9.8 जी की वैल्यू 9। ठीक है, अब देखिए 3√0.95 × 10⁻⁶ मीटर, और मिलीमीटर में 9.82 × 10⁻⁴ मिलीमीटर, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14वां। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो। ये अच्छा सवाल है। ई बराबर 1/4π₀ q/r² ई की वैल्यू पुट कर देंगे 900, और 9 × 10⁻¹⁹ q/0.1² q = 900 × 0.01/9 × 10⁻¹⁹ यह आ जाएगा हमारा 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 न्यूटन यदि 1 μC का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो पहला देखिए 1/4π₀ q/r² q = 1 × 10⁻⁶ कूलम, और आर बराबर 20 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻²⁺ मीटर, तो ई बराबर 9 × 10⁻¹⁹ 20 × 10⁻²⁺² तो आएगा 2.25 × 10⁻¹⁹ N/c। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, गिवन अब क्या क्या गिवन है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अब क्यू बराबर 10 × 10⁻²⁺− 2, नहीं आर बराबर 10 × 10⁻²⁺ मीटर। ठीक है, तो ई बराबर 9 × 10⁻¹⁹ 10 × 10⁻²⁺ उतार, तो कितना आ जाएगा 9 × 10⁻¹⁵ N/c। अब देखिए ई बराबर 1/4π₀ q/r³। ठीक है, इस स्थिति में ये वाला सूत्र लगेगा, आर बराबर 4 × 10⁻², और कैपिटल आर रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर। हेलो पुट करेंगे 9 × 10⁻¹⁹ 1 × 10⁻¹⁹ 4 × 10⁻², 10 × 10⁻²² तो आंसर कितना आएगा 3.60 × 10⁵ N/c। अब 16 देखिए, 16 नहीं, ये एक्चुअली में पहला है न्यूमेरिकल, तो पहले के स्थान पे हम दूसरा लिख गए थे, तो इसी लिए ये 16 नहीं, ये किताब में पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब देखिए, यदि 17.7 pC आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सतह से बताया था 1/6 q/ε₀, तो 1/6 17.7 × 10⁻¹² pC को कूलम में चेंज करते हैं, तो 10⁻¹² से गुणा करते हैं, तो ये कैलकुलेशन करने पाएगा 1/3 N/m²/c। ठीक है बच्चों, अब इसमें इस चैप्टर में केवल 16 ही सवाल थे, और सभी सवाल सॉल्व कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल